दोस्तों, इस वीडियो में माधकमा टेस्टबुक के ऑफर के बारे में, क्या ऑफर चल रहा है इसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं। और दोस्तों, आपको टेस्टबुक पास और टेस्टबुक पास प्रो में क्या अंतर है इसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं, और दोनों का कूपन कोड बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की सहायता से साइन अप प्रोसीजर पूरा कर लेना, जैसा कि मैंने कर लिया। उसके बाद मैं होम पेज पे आ गया। यहाँ पे आपको एक टेस्ट वाला सेक्शन आ रहा है, सिंपली क्लिक करना। अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आप टेस्टबुक पास है या टेस्टबुक पास प्रो है उसको अगर परचेज कर लेंगे तो उसके साथ कौन कौन से एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम की कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे होगा, रेलवे होगा, बैंकिंग एग्जाम होगा, बहुत सारे एग्जाम की कैटेगरी दी हुई है अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप एसएससी पे क्लिक करेंगे तो एससी के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएच, जीडी, सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार से रेलवे के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होता है, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप टेस्टबुक पास है या टेस्टबुक पास प्रो है उसको अगर परचेज कर लेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरे एग्जाम की टेस्ट सीरीज है उसको आप लगा सकते हैं अगर आप टेस्टबुक पास या टेस्टबुक पास प्रो को परचेज कर लेते हैं। चलिए अभी बैक करके होम पेज पे चलते हैं और आपको टेस्टबुक पास और टेस्टबुक पास प्रो में मेनली अंतर क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ थ्री डॉट आ रहा है, सिंपली क्लिक करना। थ्री डॉट पे क्लिक करना दोस्तों, यहाँ से एक पास वाला सेक्शन आ रहा है, पास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। पास वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कूपन कोड को अप्लाई किया, इसमें 10% का डिस्काउंट मिल चुका है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे टेस्टबुक पास है इसमें सेलेक्ट है, यहाँ से आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। अगर आप टेस्टबुक पास को परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 710 प्लस एग्जाम के, यही चीज मिलेगी सिर्फ टेस्टबुक पास के साथ। अगर आप सिर्फ टेस्टबुक पास परचेज करेंगे तो उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अगर आप टेस्टबुक पास को परचेज करेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा है टेस्टबुक पास प्रो, अगर आप प्रो को परचेज करेंगे तो उसको साथ आपको टेस्टबुक पास वाले जो 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 710 प्लस एग्जाम के वो तो मिलेंगे, और साथ में आपको 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और इसमें आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। सारा कुछ आपको प्रो के साथ एक्सेस मिल जाएगा जो कि आपको टेस्टबुक पास के साथ नहीं मिलता है। अभी दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्टबुक पास या टेस्टबुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं अभी कूपन को बता देता हूँ जिसकी सहायता से आपको डिस्काउंट हो सके अगर आप टेस्टबुक पास को परचेज करना चाहें या टेस्टबुक पास प्रो को परचेज करना चाहें। तो मैं जो कूपन कोड बताने वाला हूँ उसकी सहायता से दोनों में आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं आपको टेस्टबुक पास में मैक्सिमम डिस्काउंट लेके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको पास वाला सेक्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर लेना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, यहाँ से अप्लाई कूपन आ रहा है, अप्लाई कूपन पे सिंपली आपको क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे क्लिक करना में दोस्तों, यहाँ पे डाल देना AQ9IHP डालने के बाद यहाँ से आप जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे कूपन कोड है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और आपके घर में 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको एलिट टेस्टबुक पास परचेज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। तीन ही वाला टेस्टबुक पास परचेज करना है, सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने तीन ही वाला टेस्टबुक पास है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से बाय वाले सेक्शन पर सिंपली आपको क्लिक करना। बाय वाले सेक्शन पर क्लिक करना मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना है सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने में दोनों टेस्टबुक पास है टेस्टबुक पास प्रो है जो भी आपने परचेज किया वो आपके में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज उसको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं टेस्टबुक पास है टेस्टबुक पास प्रो में क्या अंतर है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेस्टबुक पास सिलेक्ट है, उसको अगर परचेज करेंगे तो सिर्फ आपको जो आल एग्जाम का मॉक टेस्ट है वही मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया नहीं मिलेगा, लाइव टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको टेस्टबुक पास के साथ नहीं मिलेंगी, जबकि पास प्रो के साथ सारी चीज़ें एक्टिवेट आपको मिलेंगी। दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।